दूसरी जानिब ईद खत्म होने को आई है, चोरों डाकों की ईदी मुहिम खत्म नहीं हुई। इचरा की फैमिली को गुजरावाला जाना महंगा पड़ गया। अशरफिया पार्क में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, चोर 100 तोले सोना और 1.5 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान बताइए। शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जो है वो नहीं थम सका। ईद के दूसरे रोज़ भी जो चोर और डाकू हैं वो बेलगाम होकर शहर में दंदनाते फिर रहे हैं कि थाना इशरा की हदूद में घर में चोरी की एक बड़ी वारदात पेश आई है, जिसमें जो चोर थे वो घर के ताले तोड़कर घर में घुस गए और उसके बाद घर से 100 तोले सोना और इसके साथ साथ 1 लाख से ज़ायद की जो नकदी थी वो यहाँ से लेकर फरार हो गए। शहरी जो ताहिर जिनके घर ये चोरी की वारदात पेश आई वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर घर की क्या क्या चीज़ें टूटी हुई थी जब वो घर में वापस आए, क्योंकि ईद के दूसरे रोज़ ये अपने ताया के चाचा के घर जो थे वो गुजरांवाला गए हुए थे। हम जब घर से आए हैं ना तो दरवाज़ा खोला तो आगे सेफ खुली पड़ी थी, मैं इस तरफ आया हूँ तो ये दरवाज़ा जो है ना ये टूटा पड़ा था, उसके बाद ये दरवाज़ा भी ये दरवाज़ा टूटा हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये दरवाज़ा खुला हुआ था, तो बाकी जो जेवर वगैरह था कुछ भी नहीं था। अलमारी कौन सी तोड़ी थी चोरों ने? जी देखें कि वो बता रहे हैं, पहला दरवाज़ा तो ये था जो कि चोरों ने तोड़ा और उसके बाद घर में दाखिल हो गए और उसके बाद जो चोर थे वो घर में मौजूद ये अलमारी थी, देखें कि जिसको देखा भी जा सकता है कि मतलब खोला है ये ऊपर से ये बंद थी वो देखना ऊपर से डैमेज है, ठीक है, उसके बाद मैं भी यहाँ से एंटर हुए और ये अलमारी है, इसमें इधर जेवर पड़ा था और कैश इधर था बस। जी देख सकते हैं, अगर आपको ये कैमरामैन सलीम दिखा सके तो ये अलमारी थी, देखें जो जिसका हाल जो है चोरों ने क्या किया हुआ है कि ताले तोड़ के जो इसके दरवाजे थे वो तोड़ के अंदर से तमाम जो नकदी थी और 100 तोले सोना था वो यहाँ से निकाल लिया और उसके बाद यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस को जब इतला दी गई तो सर पुलिस के बारे में भी बताइएगा कि पुलिस ने आपके साथ क्या रवैया किया, FIR अभी तक हो गया कि नहीं होगी? डॉल्फिन तो एंड टाइम पर आ गई थी लेकिन उसके बाद ESI साहब आए हैं, उन्होंने कहा है जी हमने देखा है, ठीक है, देखने के बाद उन्होंने कहा यार इधर फिंगरप्रिंट वगैरह हैं वो तो आप कलेक्ट करें, कहते जी आप थाने आ जाएं, आपकी FIR होगी उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है, उस दौरान अपने सोर्सेज हमने मिले आपको? नहीं SHO साहब नहीं मिले, फिर हमने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, उसके बाद वो फॉरेंस वाले भी आ गए, ठीक है, फिर हम तकरीबन मतलब देखते रहे दरख्वास्त वगैरह, 4 बजे हम थाने गए, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, सिर्फ ASI साहब थे, एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, ठीक है, तो उनको दरख्वास्त हम दे आए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने ना मतलब कि वो नहीं। जी देखें कि ये आपने शहरी जो ताहिर थे जिनके घर ये वारदात पेश आई उनकी भी गुफ्तगू सुनी, आपने अलमारियों के हालात भी देखे और इसमें देखा जा सकता है उसके बाद